हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं आज मशरूम बिरयानी बनाने की रेसिपी। लेट्स कुक। हम डायरेक्ट आज कुकर में बनाएंगे, तो हम पहले कुकर को गर्म करके इसमें 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे, 1 टेबलस्पून घी डालेंगे, इसमें सभी खड़े गरम मसाले डालेंगे, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज, सभी गरम मसाले ऐड कर लेंगे। इसे हम थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। अब हम इसमें एक प्याज काट के डाल लेंगे बड़े साइज का। प्याज को पिंक कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट डालेंगे और इसके कच्चेपन निकलते तक हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें 2 टमाटर ऐड कर लेंगे और इन्हें हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर लेंगे ताकि हमारे मसाले भी अच्छे से फ्राई हो जाए और टमाटर भी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाए। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर डाल के अच्छे से मसाला बना लेंगे। अब इनमें हम पुदीने के पत्ते ऐड कर लेंगे, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे। फिर मसाले को फ्राई करके इसमें हम दही ऐड कर लेंगे 1 कप। फिर मशरूम ऐड कर लेंगे। अब इसे अच्छे से पकने देंगे। फिर बिरयानी मसाला ऐड कर लेंगे। मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें क्योड़ा वाटर ऐड करेंगे और रोज़ वाटर ऐड कर लेंगे और 2 से 3 बूंद बिरयानी एसेंस ऐड कर लेंगे। अब चावल डाल लेंगे अपनी। अब हम चावलों के साथ सारे मसाले को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे और जितना चावल डाला है उसे 3 गुना ज़्यादा पानी डाल लेंगे। अब 2 विसल आने तक इसे हम कुक करेंगे। रेडी है हमारा बिरयानी।